प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 2 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में प्रदेश की सियासत के दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी मैदान में अपने अपने घोड़े छोड़ दिए हैं। चारों ओर चुनावी रैलियों और जनसभाओं का शोर है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक सभी जोरों शोरों से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच प्रदेश की सियासत में एक और राजनीतिक दल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसका नाम है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश की राजनीति में तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अपने आप को देख रही है। इसलिए पार्टी हाईकमान के साथ साथ कार्यकर्ता भी मध्य प्रदेश की सत्ता में खुद को स्थापित करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज से आम आदमी पार्टी भी चुनावी अखाड़े में कूद चुकी है। दरअसल रीवा में आज आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत आप पार्टी के कई नेता सम्मिलित हुए। इस दौरान केजरीवाल ने जनसभा को भी संबोधित किया। रीवा में अपने संबोधन के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश के सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन से जुड़ी कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, आपके आने से पहले दिल्ली में 2 पार्टियां थी। कहने को तो दोनों एक दूसरे की विरोधी थी, लेकिन दोनों में अच्छी सेटिंग थी। एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करेंगे। एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। आइए आपको सुनाते हैं केजरीवाल ने आगे क्या कुछ कहा। हमने भ्रष्टाचार बंद किया, भ्रष्टाचार खत्म किया, इतना पैसा बचने लग गया, कोई अंत नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी, पुराने मंत्रियों ने इतनी चोरी कर रखी थी, भगवंत मान ने उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला, रेड मारी, उनके घर से नोट गिनने की मशीनें निकली हैं पुराने वाले मंत्रियों के घरों से। आपको बता दें कि 28 विपक्षी दलों के जिस महागठबंधन इंडिया पर केजरीवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी भी उसी इंडिया का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि रीवा के एसएएफ मैदान पर आयोजित इस आम सभा के कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले अपनी पार्टी का दमखल दिखाने के लिए पंजाब सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रीवा पहुंचे हैं। यहां उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों को उखाड़ कर फेंक दो, क्योंकि इन पार्टियों को केवल सत्ता से मतलब है। अगर इनको सत्ता के लिए देश भी बेचना पड़ जाए तो भी बेच देंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि एक कहावत है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर आपको लगता है कि दिल्ली और पंजाब में काम किया है तो हमें वोट दीजिए। केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की जनता से कहा कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दो, मैं चैलेंज करता हूं कि दोनों पार्टियों को भूल जाओगे, आज मैं आपको 10 गारंटी देकर जा रहा हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।